जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 4 सितंबर 2024 के लिए। और कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस मेरा थोड़ा हटके रहता है हरदम, इस बार भी हटकर है। शायद हो सकता हूँ मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ आज के एनालिसिस में, ट्राई अपने करेंगे जरूर से। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 8:55 हुई है और डाउ जोन 470-75 पॉइंट माइनस है। और अपना वीडियो है वो बाई करने का है, हो सकता है मैं शायद कल रॉन्ग होगा, लेकिन रॉन्ग होने से भी अपने को कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्यों अपने उसी स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं 30-40 रुपये की रेंज में, जाके कम से कम 20 रुपये नीचे बंद दे, मैंने 10 रुपये तो बंद देगा, कल का कल तो जीरो होगा नहीं, तो ज़्यादा ज़्यादा 20 रुपया लॉस होगा, लेकिन मिलेगा तो 30 का 60-70 रुपया मिल सकता है आराम से, 100% प्रॉफिट। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं और लेवल देखिएगा, शायद आपको लगेगा कि इनका दिमाग खराब हो गया, तो हो सकता है, लेकिन अपने पास उपाय नहीं है, क्यों गैप डाउन खुलेगा आप क्या पुट लोगे, फिर कॉल में ट्राई करना है, तो अपने कॉल कहाँ लेना है, किस भाव में लेना है, वो मैंने लेवल दिए हैं। अगर लेवल अच्छे लगे तो क्या करना है आपको पता है। ये आज की समरी है। कल जो फिन निफ्टी 23,800 का लेके गए थे वो 23 में एग्जिट हुए सुबह, लेकिन वहाँ से 1.75 बिका और 1.75 वाला 128 रुपया बिका। तो ऐसा है बाजार, कब क्या होवे किसी को नहीं पता है। बाकी सारे हमने पुट लिए थे, किसी में भी नहीं हुआ। हाँ, फिन निफ्टी लिए थे 57 में, वो 130 में बिको आया था, उसमें 1825 रुपये जमा हुए। बाकी देखिए सब में 200-300 करके सारा पैसा ले गया, जमा किए थे इतनी मेहनत से, लेकिन कहीं काम नहीं लगा। लास्ट में निफ्टी लिए थे 85-60 में, वो 95 में बिकवा दिए थे, और निफ्टी मिड कैप लिए थे 80 रुपये में, वो 85-80 में निकलवाए, तो टोटल इतना मेहनत करने के बाद भी 1,280-82 रुपया जमा हुए। तो ऐसा बाज़ार है, और इस बाज़ार में भी अपने पैसा निकालना बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में वीडियो हेल्पफुल हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से नए जुड़े चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिस लाइट्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली, एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुल अप किए। FII ने इंडेक्स में 2764 करोड़ का बाई किए और सेल किए 2375 करोड़ का, नेट में 389 करोड़ का बाई किए। FII ने FNO स्टॉक्स में 5992 करोड़ का बाई किए। FII ने केस में 1029 करोड़ का बाई किए और DII ने भी 1896 करोड़ का बाई किए। ये FII की इंडेक्स वाइज नेट पोजीशन है। FII ने निफ्टी इंडेक्स में 87 करोड़ का सेल किए, निफ्टी ऑप्शन में 5946 करोड़ का सेल किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 350 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 4919 करोड़ का सेल किए, फिन निफ्टी में 121.38 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 36525 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी में 1.78 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में सेल किए 413 करोड़। ये आज की समरी है, डाटा शीट है 3 सितंबर की। 4 सितंबर को कैसा रहेगा, क्लाइंट ने सोल्ड किए 537 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,40,664 कॉन्ट्रैक्ट, DII ने सोल्ड किए 15,683 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 48,149 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, FII ने बोध किए 5,270 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 238,455 कॉन्ट्रैक्ट, प्रो ने बोध किए 11,003 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में अभी भी है 49,642, इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 209,777 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 581,539 कॉन्ट्रैक्ट, FII ने 209 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट में वो लॉन्ग में 305,132 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो ने बोध किए 209,568 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 274,329 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। अब इंडेक्स पुट में देखा जाए तो क्लाइंट ने बोध किए 75,070 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 6,24,656 कॉन्ट्रैक्ट, DII ने 8,262 इंडेक्स में पुट लॉन्ग किए, तो नेट में वो 4,25,568 कॉन्ट्रैक्ट है,
FII ने बोध किए 429 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 444,344 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 83,761 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो इंडेक्स पुट में शॉर्ट में 245,256 कॉन्ट्रैक्ट। अब ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा बुलिश है, लेकिन यहाँ पर एक पेज क्या है, DII ने देखिए 10,616 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में शॉर्ट किए हैं। अब ये शॉर्ट करने का मतलब कि उनको पता है कि कल बाजार गैप डाउन खुलेगा, तो गैप डाउन खुलेगा तो ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग में आएगा। बाइंग में आने का मतलब कि नीचे में सपोर्ट मिलेगा। ये एनालिस्ट मेरी एनालिस्ट करने की ये है, हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो वहाँ पर ये लोग सपोर्ट देगा, यानी कि बाजार को ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देगा DII वाले। ये मेरा अपना एनालिसिस है, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। और FII का भी 300,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में लॉन्ग है, प्रो का भी 209,568 कॉन्ट्रैक्ट आज नए जुड़े हैं, तो इंडेक्स कॉल में वो लोग भी लॉन्ग में है। पुट में प्रो ने बेचे 83,761, तो उनका शॉर्ट में मैंने यानी तेजी में है 245,256 कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रो पूरी तरह से तेजी में है। और FII का दोनों साइड पोजीशन है, पुट में भी है और कॉल में भी है। तो कल गैप डाउन खुलेगा तो मुझे ये लग रहा है कि एक नीचे में सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट क्या मिलेगा वो आपको आने वाले में नेक्स्ट स्क्रिप्ट में बताया जाएगा कि लेवल कहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। तो मैं क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो अपने पास कोई चारा नहीं है और अपने को कॉल में ही ध्यान रखना है। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी सपोर्ट, जहां घटे हुआ 13,135 के पास लीजिए, सपोर्ट 13,100 का रहेगा, रजिस्टर ऊपर में 13,246, PCR 1.04, मैं बनाता हूँ 6। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,200 का कॉल है वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 51.65 के पास लीजिए, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, हो सके आपको 40 रुपये भी मिल जाए तो वहाँ से आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 98। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,200 का पुट है वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 50 के पास लेना। अब आप बोलोगे गैप डाउन खुलेगा और ये डीप में लेने का बोल रहा है, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस पहले ही ऊपर हो जाएगा, तो अपने को मौका तो मिलेगा ही नहीं। तो अपने अगर सेकंड हाफ में कोई मौका मिलता है तो नीचे लेना हो तो 50 के पास लीजिए, 40 का स्टॉप लॉस, यानी सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, रजिस्टर ऊपर में 96 और 96 के ऊपर 115। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट, जहां घटे वहां 25,185 के पास लेना है, 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट गैप निफ्टी माइनस दिखा रहा है, तो हो सकता है 80 पॉइंट खुले और वहाँ से फिर और 20-30-40 पॉइंट जावे नीचे, ताकि पुट लेने वाले कूद कर पुट ले गए। तो ये 100 पॉइंट के नीचे मैंने बनाया है, 25,185 के पास कहीं भी मिले तो कॉल लेना चाहिए। सपोर्ट नीचे में मैंने दो दिए 25,150 और 150 टूटे तो 110 के पास सपोर्ट लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,322 का है, PCR 0.98 है, मैं बनाता हूँ 94 है। अब इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के निफ्टी 25,200 का कॉल है वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 54 के पास लीजिए, सपोर्ट मैंने तीन दिए 44, 33 और 20। अगर आप 54 में भी लेते हो तो 20 का ही सपोर्ट रहेगा, और जितना नीचे मिले ट्राई कीजिए लेने का, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि नीचे सपोर्ट मिलेगा, बाजार को गिरने नहीं दे रहा है लोग, और गैप डाउन खुलेगा तो अपने को पुट लेने का तो मौका मिलेगा नहीं, तो अपने को कॉल में नजर रखना। तो कॉल में यहाँ पर रखिए 25,200 के पास, और जितना नीचे मिले ले लीजिए, हो सके वेट कीजिए। अगर आपको 20 रुपये के पास मिले तो जीरो हीरो कल के लिए भिड़ा दीजिए, 20 रुपये तो जाना है, जा जाके क्या जाएगा, 20 रुपये जाएगा। अगर कल सेकंड हाफ से खींचना शुरू कर दे लोग तो ये 70-80 तो बिक ही जाएगा, और आप प्रॉफिट में तो 50% प्रॉफिट बुक करिए, 50% को होल्ड कीजिए, हो सकता है दूसरे दिन गैप अप खुल जावे, 25,300-350 खुल जावे, तो ये आपको 150-200 रुपया बिक सकता। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,200 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21 के पास लेना, इसको भी जीरो हीरो रख देना, आपको इसको भी आपको 20 रुपये ही भिड़ाना है और गुरुवार तक होल्ड करना है एक्सपायरी तक।
अब 52-45 का क्लोजिंग दिया है तो ऑब्वियसली है कि गैप डाउन खुलेगा, तो ये खुलेगा ही 75-80 के पास, तो अपने तो पुट ले नहीं सकेंगे। 52 का माल 75-80-90 में लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपने वेट कीजिए। अगर सेकंड हाफ में तेज़ी होता तो ये फिर नीचे आएगा, तो नीचे आवे तो 21 के पास लेके रख दीजिए गुरुवार तक एक्सपायरी के दिन, हो सकता है अगर ऊपर नहीं किया गुरुवार को सुबह नीचे आया तो इसमें आपको लॉटरी लग जाएगी, 21 वाला 80-90 में बिक जाएगा। तो वो जो आप कॉल लिए हैं 20-25-30 रुपया में, तो 30 रुपये जाएगा और यहाँ 80-90 रुपये मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहाँ घटे हुए 51,560 के पास लीजिए। अब गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है 51,560 के नीचे भी खुल सकता है, तो सपोर्ट पहला 51,370 का है, दूसरा 51,100 का है। रेजिस्टेंस ऊपर में 51,880 और 52,060 तक जा सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में ये बैंक निफ्टी खींचा है, तो कल मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ हो सकता है थोड़ा डाउन रह के चोपी ट्रेडिंग करके प्रीमियम मीटिंग कर ले गए, और जैसे आज फिर निफ्टी जो खींचा है उस तरह कल मुझे लग रहा है 1:30-2:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी को खींचे और हो सकता है 52,000 को भी ये लोग पार कर सके। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,600 का कॉल मैंने दिया, 80-60 का रेंज में लेना है, वो भी जीरो हीरो समझ लीजिए, 60 रुपया भी लेते तो जीरो, या तो वेट कीजिए। सपोर्ट मैंने 40 का दिया, उसके बाद जीरो हीरो लिखा है, तो 40 के पास मिले या जितना नीचे मिले, टाइम ये लोग क्लिंग करेगा प्रीमियम मीटिंग करेगा, पेशेंस रखना होगा। जहाँ भी लेना हो आप 80, 60 और 40 तीन लेवल दिए हुए हैं, जहाँ आपको समझ में आए आप ले सकते हो। जीरो हीरो के लिए 80 में भी लो तो भी जीरो हीरो समझ लीजिए, 15-12 100, 15-8 20-1200 रुपया जाना है। 60 में लीजिए तो 900 रुपया जाना है, 40 में मिले तो 600 रुपया जाना है, लेकिन जीरो हीरो के लिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 139, 218, 277 और इसके ऊपर भी है, लेकिन इतना अभी के लिए काफ़ी है। फिर कोई अपडेट होगा तो मैं लाइव मार्केट में एक आध कॉल तो टेलीग्राम में दे देता हूँ दिन में, और बाकी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में मैं देते रहता हूँ लाइव में। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 51,800 का पुट जहाँ घटे हुआ 60 के पास लेना, 304 का क्लोजिंग दिया है। अब गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियसली वो 400 रुपया खुलेगा, 380, 90, 400 कुछ भी खुल सकता है, तो वो वहाँ तो लेना नहीं है, अपने को वेट करना है, आराम से इंतज़ार करना है। सेकंड हाफ में अगर बाजार खींचता है तो 60 के पास मिले 45, 30 और 15, चारों फिगर मैंने दिए। 60 में भी लेते हैं तो जीरो हीरो के लिए, 45 के पास ले तो जीरो हीरो, 30 के पास ले तो जीरो हीरो, 15 के पास भी लेते हो तो जीरो हीरो। हो सकता है कि जैसा आज फिर निफ्टी टाना है तो सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी को गिरा भी सकता है, ये उल्टा भी ये लोग कर सकते हैं कि आज ये लोग ये प्लान बनाया हुआ कि सब आएंगे 2-2:30 बजे के बाद कि भाई फिर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी को भी खींचेगा, तो ये लोग उल्टा कर सकता है। तो अगर आपको नीचे में मिल गया तो जीरो हीरो के हिसाब से इसको लगा दीजिए, और टारगेट मैंने दिए रजिस्ट्रेशन 180, 270 और 380 तक जा सकता है, 60 का माल 380 तक भी जा सकता है, बाकी जितना नीचे मिले जीरो हीरो के हिसाब से आपको लेना है। फर्स्ट हाफ में तो ये गैप डाउन खुलेगा तो ऊपर ही खुलेगा, उसके बाद वो प्रीमियम मीटिंग चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, टाइम क्लिंग करेगा तब जाके ये नीचे आएगा। अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तब ये नीचे मिलेगा, तब आपको लेना है। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां घटे हुआ 23,820 के पास लीजिए, सपोर्ट 23,700 का है, रजिस्टर ऊपर में 24,050। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का कॉल जहां घटे हुआ 60 के पास लीजिए, और सपोर्ट मैंने दो दिए 46 और 30, जहां आपको समझ में आए 60 के पास भी ले सकते हो तो 30 का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 46 के पास लेते हो तो 16 पॉइंट 14 पॉइंट का रहेगा, 30 का स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 95 के ऊपर चले तो 145, क्लोजिंग 116 का दिया है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको 60 रुपया या वो थोड़ा वेट कीजिएगा तो हो सकते 40 में मिल जाए 30 का स्टॉप लॉस से ले सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 4 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का पुट 174 का क्लोजिंग दिया, तो गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियसली ऊपर ही खुलेगा। अब
जब सेकंड हाफ में खींचे बजा तो ये आपको शायद 115 के पास मिल जाए, तो 100 रुपये का सपोर्ट है, यानी 15 पॉइंट आपको लगाना है। और वहाँ से रजिस्ट्रेशन दिया 165 और 165 के ऊपर चले तो 220 तक भी जा सकता है। This slides video is for educational learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।